स्वागत है हमारे चैनल कुमार देव एजुकेशनल पर। आज की कहानी है पार्टीशन, मृणाल पांडे। ऐसा कैसा बेसिर पैर का पार्टीशन, आया देखा ना सुना। बंटे हुए घर के एक हिस्से में तो रसोई समेत पूरा भंडार और दूसरे में सारे संडास और नहाघर। अब इंसानों की जात, न खाना छूट सके न पाखाने जाना। पर दो सगे भाइयों के परिवारों को रातों रात रोजाना के साथ उठने बोलने ही नहीं, साझा रसोई में खाने या साझा संडासों में हगने से तक परहेज हो जाए तो अदालत और करती भी क्या। कह दिया सरकारी अमलेदार से माप चोक करवा के घर के मुरब्बे को दो बराबर हिस्सों में दोनों भाइयों के बीच बांट दिया जाए। उनको क्या कि पुश्तैनी साझा घरों के किसी खीरे की तरह दो बराबर टुकड़े नहीं किए जा सकते। कचहरी के ऑर्डर पर फीते लिए हुए सरकारी खसरे खतौनी खुले, फिर माप जोक वाले आए। माप जोक के बाद स्याही से ऐसी सरक लकीरें खींच दी गई जिनका जमीन या पानी की कुदरती बनावट ढलाव से कोई वास्ता नहीं था। इतने महाभारत के बाद भी दो घर बने तो आधे अधूरे। अदालत के इशारे से घर एक के दो हुए तो दोनों के भीतर कुदाले चलने लगी दिन रात। पार्टीशन कोई हो, ठेकेदारों की बनाती है। कोठी में तरह तरह के फेर बदल को जगह की कमी कतई नहीं थी। पुश्तैनी कोठी की इमारत खूब बुलंद थी और हाता भी काफी बड़ा और खुला खुला। छत भी खासी लंबी चौड़ी और खुली थी, जहां घर के लड़के मर्द कनकौवे उड़ाते, बहुरिया मायके का बखान और बूढ़िया पोतों की तारीफ और बहुओं की निंदा करती हुई बड़ी अचार मुरब्बे पापा बनाती सुखाते आए थे। पर सबसे पहले जरूरी थी दोनों घरों के बीच एक मजबूत दीवार। यह तय हुआ तो सबके दो टुकड़े होने लगे। परिवार की बोली, वाणी, खान पान, पहनना ओढ़ना, सबका रवैया रातों बदला और बेमतलब बन गया। दोनों भाइयों ने अलग अलग ठेकेदार लग वाये थे। लंबी जिरह चली, भाइयों का मन मुटाव तो रहा, लेकिन भीतर खाने सुलह कर दोनों ठेकेदार दाम बंटवाने को एक हो गए। पहले दोनों ने अपनी फीस दुगनी करवाई, तब बारी आई दीवार की चिनाई की। जैसा हुक्म था ठेकेदारों ने वैसी ही पक्की ऊंची दीवार बना दी और ऊपरी सिरे पर टूटी बोतलों के कांच लगा दिए गए कि भेंचो इधर उधर आवत जावत का सवाल ही ना उठे। आखिरकार दीवार वाले मजदूर विदा हो गए। बच रही कोठी और सको दो टुकड़ों में तकसीम करने वाली मनहूस दीवार, जिसे न इनने रंगवाया न उनने। अलबत्ता दोनों तरफ अलग अलग दो फाटक लग गए, जिनके अगल बगल मालिकान के नामों की दो अलग तख्तियां लटक गईं। अब भीतर खाने नई गठवाई शुरू हुई। खुदाई की गंध पाकर सबसे पहले पुश्तों से बसे भंडार के चूहे बाहर माटी के बिलों में सरक गए, कॉकरोच नालियों में समा गए। दोनों भीतर भीतर अपने पुरखों की तरह नई पाली का इंतजार करने लगे। कहते हैं जब जापान पर बम गिरा था और इलाके की सारी इंसानी नस्ल मिट गई, तब भी कई साल बीतने के बाद जैसे ही नई बसासत शुरू हुई, भीतर छुपे चूहे और कॉकरोच सही सलामत बाहर निकल आए। बम भी उनका कुछ नहीं बिगा सका था। खैर चलो इसी बहाने नई तरह से सब हमारे लायक बन जाएगा, बेटे बहुओं ने कहा, जिनको आने वाले वक्त में कोठी विरासत में मिल जानी थी। तो साहब इधर चूल्हों की कालिक भरी निश्वासें मिटी, उधर कायदार संदासो नहांग रों की बारी आई। इस सब के साथ बहुत सारी धूसर फुसफुसाहटों में पुराना गायब हो चला। मसालों की गंध पानी की मिट्टी से मिलने और फिर छुपे पिछवाड़ों में काय बनने की गंध, पुराने साबुनों, पेशाब और गू की गंध। दोनों नए घरों में अब रसोई घर टाइल वाले थे। दोनों में संडास और नहाघर भी अलग की बजाय एक ही साथ बन गए। अब हर सोने वाले कमरे का अपना नहाघर और संडास था। सुबह सुबह दरवाजा ठिकठका कर इंतजार का है भाई। इस सबके बावजूद रोजाना अंधेरा होते ही कई बुए उल्लू एक एक कर दोनों तरफ हाथे के दरख्तों पर अपने सालों पुराने कोटरों से निकलकर शाखों पर बैठ जाते। पीली आंखों से वे जाने किसको क्या क्या अद्भुत इशारे करते रहते थे। लोग मानते थे कि वे रात को इंसानों का आगा पीछा, जीवन मरण सब साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि तमाम प्रेतात्माओं जिन्नातों से उनकी दोस्ती होती है। उल्लू हर मच्छर, हर नक्षत्र, हर जमीन के भीतर मूंछे सुरसुराते चूहे, नालियों के भीतर कीचड़ और गूपर जिंदा हर काकरोच की बाबत जानते हैं। ऐसा चौकीदारों का मानना था जो खुद भी निशाचर थे। रात के जीव, दिन भर सोते, रात रात जागकर पहरा देते, जागते रहो होशियार। उनके और त्रिकालदर्शी उल्लुओं के बीच अदब भरी खामोशी रहती थी। आए होंगे उल्लुओं की मार्फत प्रेतों से खबर मिली होगी तो पुरखे एक एक कर जरूर आए होंगे अपनी कोठी को दो हिस्सों में तकसीम होते हुए देखने को। पर चौकीदारों को यकीन था कि मिट्टी, पानी, हवा, अक्काश और अग्नि का बंटवारा होते देखकर शरीर में अवसाद और मन में ज्वर लिए वे वापस उठ गए होंगे। इतने कलेस उलाहनों और दिन रात के झगड़ों बीच मरने के बाद कौन टिकना चाहेगा, चौकीदार आपस में कहते। महीनों तक ठोका पीटी चली,
साझा छज्जे तोड़े जाते रहे, पेड़ों से अधब के फल झाए जाते रहे। कोई कोई जन खाया दरवाजा जिद पकड़ जाता। क्षय होने से वो तब तलक कतई इनकार करता रहता जब तक कि भारी हथौड़ा न मंगवाया जाता। मजदूरों की गालियों से चरमराता अंत में वह ढह ही जाता। मच्छरों मक्खियों से गुंजायमान ठेकेदारों की कर्कश बमचट के बीच नींद की कामना को मकड़ी के जाले की तरह हटाते हुए दोनों तरफ के परिवार रात रात जागते। हर सुबह आती तो आलसी मक्खियों की भिन भिन से भरी हुई। एक दिन सब बया बन ही जाएगा, वे सोचते। दोनों तरफ शहर वालों को यह टूटती बनती नींद, अंधेरी कोठी, समुद्र पार का कोई मायावी द्वीप नजर आती थी। वे दूर बैठे सिर्फ अफवाहों को सुनते, जमा करते, कहते, ऐसा कैसा पार्टीशन जी, न देखा न सुना। बड़े घरों की बातें खुद बाहर नहीं जाती, जूती छत की तरह धीमे धीमे टपकती रहती हैं। बरसों तलक चांदनी रातों में शहर में छत दर छत कयास लगाए जाते, जिनके पीछे खौफ नहीं केवल जिज्ञासा होती थी, या केवल रोमांच। कोठी बहुत बड़े लोगों की थी, उनके लिए शहर के नए लोग कृमि कीट की नाई थे। राधेश्याम बाबू से, जिनके बाप कोठी के पहले मालिक के मुंशी रह चुके थे, चौकीदार महफूज मियां ने जाना था कि शहर के नामी गिरामी वकील साहब की पीले रंग से पुती जहाज जैसी ये कोठी, जिसके एक हिस्से में वे पहरेदारी करते थे, दूसरी में मुन्ना चौकीदार एक जमाने में एक थी, तब ये पीली कोठी कहलाती थी। इलाके की सबसे सुंदर कोठी हुआ करे थी ये तब। 4 एकड़ में फैली जमीन का इतना बड़ा मुरब, बावकील साहिब को उनके एक दिलदार जमींदार मुवक्किल ने अपनी पुश्तैनी जमीनों का भारी पेचीदा मुकदमा जीतने पर फीस के साथ बतौर तोहफे के दे दिया था। बहुत कुछ बिन मांगे मिल जाए तो क्या मन में शुभहा या डर नहीं पैठता होगा, चौकीदार कहते। कर्ज मर्ज फर्ज औरतें, इन सब को लेकर भय तो हर किसी में रहता ही है, पर मुफ्त की जमीन मिल रही हो तो सब संसा मिट जाती है। सांझ निस्तेज होकर बुझ जाती तब चौकीदार रोगी ड्यूटी शुरू होती थी। पहले चारों तरफ ऊंचे नींदों के बीच थकी चिड़ियों की चहचहाहट बंद होती, फिर चांद उगता अकेला, फिर झुंड के झुंड नक्षत्र। जब इतना हो जाता तब मनुष्यों के बनाए तमाम नियम कायदे भी एक एक कर तहाकर कोठी वाले सोने चले जाते। तब दोनों कोठियों के चौकीदार गश्त शुरू करते, जागते रहो, होशियार, चिल्लाते, लाठियां ठक ठकाते हुए। देर रात दोनों हर रोज कुछ घंटे नीम पीपल पाकड़ और जामुन की पीली पत्तियों की चुरमुर के बीच चुपचाप अगल बगल बैठते। वे अंधेरे के गवाह थे जो जब कहानियों से छूट भागना चाहते हैं पर छूट नहीं पाते, तब प्रेतात्माओं की तरह रात गए वे अगल बगल के फाटकों पर पास पास सरक आते हैं। सावधान, घर के भीतर जागती बूढ़ियों को उनके पैरों की गश्ती आहट लगातार तब तक फिर भी मिलती रहती है जब तक डूबता सुबकर तारा सूरज महाराज का रास्ता नहीं खोलने चल देता। कहानियों से चौकीदारों का दिल कई बार भर आते थे, पर वे ज्यादा देर दुखी नहीं हो पाते थे, क्योंकि कोठी की दोनों मालकिनें देही से कमजोर पर जीव से कसैली थी। तिस पर उनके मैनेजर और उनकी औलादे सात समंदर पार से कोठियों के गिर्द फिया कैमरों से उन पर लगातार शक की निगाह बनाए रखते थे। अरे महतारियों को कोई जिनावर माफी कैसे छोड़ जाता है, कोई कितनी ही बुई हो, अभी सर पाताल के बीच की उनकी माने ही तो उनकी पुश्तैनी विरासत को नागिनों जैसी थामे हुए थी। कीड़े मकोड़े मनुष्य सबकी अपनी जिंदगी की मियाद तय है, कोई डोरी तो नहीं कि हम जीने का मन न होने पर तोड़ दें। मालिश वालियों ने लैपटॉप पर बच्चों से बतियाती महतारियों को बार बार खुद देखा सुना था। अपने कागजात पर कुछ लिखापढ़ी करते निंदियाए बेटे सात समंदर पार से कहते थे, ठीक ठीक है, अच्छा फिर लाइन कट जाती। महतारियां करवट बदल कर उनसे कहती, पीठ पर तेल से जरा कसकर मालिश कर दें। जब वे कपड़े संभालती डगमग नहाघरों को चली जाती, उनके बिछौने समेटती मालिश वालियां देखती उनके तकिए कुछ भींगे हुए हैं। धरती पर जिसे नहीं होना था वह घटता है, तो भी बहुत कुछ मां या मोह शेष रह जाता है। कई कई रामनवमियां, करधनियां, 10 तोले वाली नथे, पंचलडे सतलडे हार, कंगन, बाजूबंद, चूहादंती चूड़ियां, सरपेंच, सोने के कामदार बटन, चांद सितारे, जड़ी रेशमी साड़ियों, जोड़ों से भरे बक्से, बचपन के झबले, ननिहालों से आई चांदी की दूध हाथ वाली नन्ही सी कटोरियां, गिलसियां, पुरानी अशफियां, गिन्नियां, यूरो, डॉलर, बिटकॉइंस। वे बार बार बेटों को उनकी बाबत बताना चाहती, पर जो रात रात भर बहने वाली पूंजी का सारे ब्रह्मांड में पीछा करते हैं, अपनी माओं से बात करते हुए भी अदसुए रहेंगे ही। ठीक है कहकर वे हर बार यह थाती गिनाती माओं को अधबीच छिपा देते हैं। उनकी अनचाही लेकिन फिर भी तजीना जाती माने दूध स्वप्नों से भरी नींद की प्रतीक्षा करती हैं हर रात। अपने मालिकों को हर हफ्ते रपट देने वाले मनीजर हर हफ्ते आते हैं,
ड्राइवरों, मौलियों, खाना पकाने वालियों, मालिश वालियों, चौकीदारों का हाल चाल थाते हैं। पुलिस वालों से उनके गहरे रसूख हैं। नए साल पर, विदे दिन पर, ईद बकरीद, होली दिवाली पर कोठियों की तरफ से वे इलाके के थाने में डालियां भिजवाते हैं। रात सायरन न बजाती पुलिस की वैन या दुपहिया हर रात चक्कर मार जाती है। बाहर चौकीदार जब पुकारते हैं, जागते रहो, तो उसका खास मतलब नहीं होता। कश खींच कर रात की कालिख में आग के सुराख बनाते महफूज मियाँ कहते। चौकीदार महफूज मियाँ बताते हैं कि उनके जन्म से बहुत पहले उनके अपने इलाके में भी पार्टीशन हुआ, जिसे उनकी तरफ भग्गी कहते हैं। तब जमींदारी खानदानों के कई लोग अनत देश जा बसे थे। जमीन उमीन छोड़कर उधर के उसदे लोग अपनी जमीनें छोड़कर इधर आन बसे थे। भारी मारकाट की कहानियां बताते थे वो लोग जो उनने अपनी दादी से सुनी थी। चौकीदार मुन्ना की तरफ भी कई कहानियां थी। उनकी अजिया बताती थी कि अंग्रेज के जमाने में भूथा इमली इलाके की एक कोई भारी लात थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वह धीमे धीमे धंस रही है और जिस दिन वह गिरी, जात पांच सब खत्म, धर्म कर्म मिट जाएगा धरती से। एक दिन उसके चौकीदारों ने पाया वह गिरी पड़ी है। तब भी बड़ी भारी मार काट मची थी। गांव के गांव खाली हो गए थे। इस इलाके की बड़ी बड़ी कोठियां रातों रात खाली होते देखी तो सरकार के कुछ अफसरों का दिल जिन जमीनों पर आ गया, उनको दुश्मन की मिल्कियत बताकर फिर सरकार से औने पौने खरीदा जाने लगा। इस दौरान अपने खान साहिब पे भी नालिश कर दी गई कि उनकी पुश्तैनी जमीनें तो अब तो दुश्मन की मिल्कियत वाली कटरी में आती हैं, लिहाजा इन पर सरकार का दावा बनता है। अमां ऐसा भी क्या न्याव। खान साहिब तुरंत अपने पुराने दोस्त वकील साहिब के पास गए, जिनका तब बड़ा नाव था और अक माशाला ऐसी पेचीदा थी कि कील डालो तो साली सिकरू बनकर बाहर निकलती थी। खान साहिब से बातचीत के बाद भैया वकील साहिब ने सरकारी वकीलों की फौज के खिलाफ मुकदमा ऐसा जम के लड़ा, ऐसे ऐसे पेचीदा दाम लगाए कि साल भर में उनके मुवक्किल को उनकी पुश्तैनी मिल्कियत बाइज्जत वापस मिल गई। अफसर टापते रह गए। ईद का चांद उस बरस हंसुए की तरह उगा और वकील साहिब पर बरकत बरसा गया। मुकदमा जीतने के बाद एक मन मिठाई लेकर जमींदार साहिब वकील साहिब से मिलने आए थे। उनने वकील साहब से पेशकश की कि फीस के अलावा वो जमीन का 4 एकड़ का एक फलदार मुरब्बा भी उनकी तरफ से बतौर तोहफा कबूल फरमाएं। वकील साहब जानते थे कि उस नायाब जमीन की कीमत उनकी फीस से भी कई गुनी ठहरती थी। उनको क्या उज्र होता, वैसे भी अल्लाह के फजल से बतक दो दो बेटों के बाप बन चुके थे और किसी मुनासिब जगह पर अपनी अगली पुश्तों के वास्ते एक खूब बड़ी सी कोठी बनवाने की सोच भी रहे थे। खान साहिब की 3 बेटियां थीं, ब्याह कर बाहर देश चली जाएंगी तो भी उनके लिए जमीन से कहीं बड़ा मोल खान साहब की दोस्ती का था। सो बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ ये इतनी बड़ी कोठी बनवाई गई। जैसा चलन था पीढ़ी दर पीढ़ी ये कुटुंब के साझा इस्तेमाल के लिए ही बनवाई गई थी। बार सो यह गुलजार भी रही। जाने कितनी शादियां देखी इसने, कितने मुंडन, होली दिवाली, जापे और भोग सराद। पर समय होत बलवान, किसे पता था सगा खून इस तरह बंट जाएगा। किसे पता था कि भाभो एक दोपहरी को सोई तो फिर ना जागेंगी। अगले बरस इस जहाज सरी की कोठी के मालिक पे अचानक भारी हार्ट अटैक आ जाएगा। काल के हाथ एक दिन मिटा देते हैं सब। नक्षत्रों को भी भैया क्या, नक्षत्रों को भी, पर इच्छा कभी नहीं मरती न सपने। शुरू में घर के लोग ही घरेलू नौकर चाकरों की मार्फत अपने अपने हाथों पर नजर रखते थे। दोनों हाथे बंटवार के बाद भी काफी बड़े थे और छायादार फलदार पेड़ पौधों की भरमार पर डायन की तरह बगुलों से धूल बिखेरती हवा भूथा पेड़ों और दीवारों के बीच गई रात जाने क्या क्या खेल कर जाती है। रात के अंधेरे में कई अजीब अजीब बातें होने लगी। सोचा गया कि मजबूत कद काठी के चौकीदार रखे जाए जो तेल पिलाए लाठियों के साथ रात भर जागते रहो, होशियार कहते हुए गश्त लगाएं ताकि कोई घुसपैठ ना हो। शुरू में 2-4 चौकीदार महीने की तनख्वाह लेने के बाद यह कहते हुए छोड़ गए कि रात के अंधेरे में दीवार के बीच से एक घू लका गोले आकार लेने लगते हैं। किसी को वकीलनी का भूत दिखा, किसी को वकील सा बका हवनक जैसे चेहरे से वे मालिकान से कहते कि अचानक किसी झाड़ी से भी एक बगुला सा निकल के इंसान जैसा कुछ बनता है, फिर उनके खून को बर्फ जैसा जमाते हुए उनको झकझोर के जैसे उठा था वैसे दीवार में घुस के गायब हो जाता है। शहर के कद काठी वाले चौकीदार नट गए तो बाहर से चौकीदारों को बुलवाया गया। घर की औरतें कहती रहीं कि इससे जर री खर्चों पर कटौती हो जाएगी, पर जब मर्दों ने डपट दिया कि जरूरी है, वे भी चुप साध गईं। रात तेज हवा चलती तो अपार हवा उनकी मच्छरदानियों में जाने कैसे घुसकर उनको किसी गुब्बारे की तरह नक्षत्रों की
और उड़ाने की कोशिश करती। कभी कोई बिल्ली अकारण रोती घुमा करती, कभी उल्लुओं की फफड़ाहट एकदम पास। दोनों कोठियों के बीच लाख ढांट का लंबा सिलसिला चला। खूब खर्चा हुआ मुकदमेबाजी पर जब दोनों तरफ पुश्तैनी जा मीम का हवाला देकर दोनों घरों की लड़कियों से मौरूसी जायदाद का हक छीन लिया गया। एक एक कर बच्चे बाहर जाने लगे, कोठियों की हलचल मंद पती गई। दोनों तरफ उनकी अगली पीढ़ी का दुबई, पेरिस, कनाडा या अमरीका में जन उनको याद दिलाने कभी कभार वो लोग लौटते। गुरल्लों की तरह अपने अपने पिट्ठुओं पर बोतल बंद पानी, अपने कपड़े और दवाइयां अलग से लिए हुए। यहाँ का कच्चा पानी, फल, सब्जियां उनको जहर की तरह डराते थे। फिर कुछ दिन सैर सपाटा करके, दिन भर फोटो खींच खांच के, एक दिन टीका लगा के या इमाम अजामिन बधवा के, वो वापस बेबीलोन कहो या लंदन या कुस्तुनतुनिया चले जाते। पीछे बस बूढ़ी बेवाएं, दोनों तरफ के बच्चों ने माओ की हिफाजती को दो लंबे तद्दे चौकीदार छांट के रखवाए। एक इस तरफ, एक उस तरफ। महफूज मियां इस तरफ, मुन्ना भाई उस तरफ। काली राख जैसी रात, पीछे दो अंधकार भरी भाएं भाएं करती कोठियां। बस दो चौकीदार जागते थे जिनकी बीड़ियां अंधेरे में दो सुराख बनाती थीं। चुप्पी, निचात चुप्पी। महफूज मियां के पुरखे मेवात के जिला भरतपुर सैद के थे, मुन्ना मथुरा सैद के किसी पहलवानी खानदान के। हमारे कहते हैं कि मेव को कहा मुसलमान, मुन्ना छेड़ता, मियां तुम भी हमारे ही जस। सो तो है, गरीब की भेंचो जात क्या, अजब देश में बात, भेंचो पहले गाली पीछे बात। पुरानी कहावतें उनसे भी पुरानी कहानियां। रौद्र झिलमिल अपार कोठियों में निस्सहाय कैद, कभी सहन में धूप खाती तेल लगवाती तो कभी भीतर अपनी छपरखटों पर पड़ी निद्राहीन बूढ़ियों सांसें छोड़ती, कभी पुकार लेती, अरे मियां जागते हो? जी हुजूर, काहे मुन्ना जागत हो, जागत ही सरकार। आधी रात के गुप्प पलों में जादूपुर की इंद्रजाली कथाएं घुघुओं की तरह पंख फफड़ाती उतरने लगती। ये इंसानों की बस्तियां जो है ना महफूज भाई, मुन्ना चौकीदार कहता है, ये सब साली मिट्टी, हवा, पानी, अगिन, जल से नहीं, कहानियों से बनी है। महफूज मियां ने सर हिलाते हैं, बात तो भेंचो सही है। उद्धरण, जब तमाम तरह की नई बनावटों के साथ अलग अलग जिंदगियां बह निकली तो शौकीन मिजाज चच्चू सैद ने पहला काम किया कि कबूतर पाल लिए कई तरह के। चच्चू को जिनावरों का शौक तो बचपन से था, पर वकीलनी को पंछी, कुत्ते या बिलार पालने से परहेज था। पुरानी चाल के नेम धर्म वाली थी रसोई उनकी, ऐसे चमकती जैसे शीशा, बहुओं को बताया जाता। सो कई दफे स्कूल से वापस आती बिरिया चच्चू जी पिल्ले या चिड़िया के बच्चे उठा लाते, जिनको उनके स्कूल से वापस आने तक कहीं फिंकवा दिया गया होता। दो तीन बार पर रपटके खूब चिल्लाए पर दद्दू जी ने अपने नए खिलौने उनको थमाकर बहला लिया। दद्दू जी का चंद्रमा उच्चका था, स्वभाव से शीतल थे। चच्चू जी के ससुराल में इसके उलट जिनावर पालने, पतंगबाजी और कबूतरबाजी का शौक खानदानी था। अपने हिस्से की कोठी में आते ही सलमा ने कई तरहियों के कबूतर और परिंदे मंगवा कर पाल लिए। छत पर रंग बिरंगी ललमुनिया के पिंजरे लटक गए। नवाबजान बढ़ी से चच्चू के कुछ खास दुलारे लटका कबूतरों के वास्ते दरीचे निकलवा लिए गए। जवाब में दद्दू जी ने दो बड़े खूंखार जर्मन के कुत्ते पाल लिए। हाथे की रखवाली को दोपहर के खाने के बाद उनको दो घंटे को खोल दिया जाता, फिर दोबारा रात 10 बजे के बाद सुबह तलक मजाल की उनके गश्त लगाते इधर की कोठी में उस सैद का कोई पैर भी रख सके। सुना किसी के उकसाए उन्होंने उधर के माली और धोबी समेत को चार एक बार काट खाया तो नौकरी छोड़ के चले गए कि इस साली कोठी के झगड़े में हमारी जान नाहक काहे जाए भाई। ए समय बहता गया, गोधूली की मेघ सीमा पर सांझ उतरती। एक तरफ आरती घंटा, दूसरी तरफ अजान, होते होते अतीत के प्रेत भी मिट चले। विक्षुब्ध प्रेत, बीते जमाने का सारा तामझाम खोकर दीवारों के आर पार खोजते भी तो क्या। उधर कबूतरों की सुनो, वो पंछी की जात न दीवार माने ना बाद, न पिरेतों से डरे ना जिन्नातों से। कितनी तिथियां, कितने वार अतिथि, कितने रमजान, कितने होली दिवाली, फिर भी छत से रोजीना भाभो की महरी चिल्लाती कि ये गोस पोस पकने की बात से जीव घिरना जाता हैगा भाभो जी का। राक्षसों की तरैया दिन रात का गोस कोरमा, अरे खाने वालों के पेट में कीड़े पड़े, नौरातों में भी गोस मच्छी। दूसरी तरफ से जुबाब आता, आया बीबी जो हमारे खाने पे एतराज हो तो हो, हम तो वही पकाएंगी जो हमको पसंद है, तुम नाक पे कपड़ा बांध लो, ज्यादे दिल मचलता हो तो के दो कुछ एक बोटियां फेंक देंगे तुम्हारे कुत्तों के लिए भी। दीवार पे पंजे टिका के लार चुवाते रहते हैं मुए, पृथ्वी की प्रेत नजर सहसा तैर जाता पुरखों का कोप। सुनाई देता इस या उस कोठी में बहुरिया के पेट अचानक गिर गया, माए छाती फाड़ रोती तो जिचाघर और स्मशान पास खिसक आते।
अंधकार की बेला में जाड़े की रातों को कई बार कल तक की गर्भिणी के क्रोध भरे रुदन में रात गए उसके शिशुभ्रूण तारे बन चमकते तब चौकीदारों को पीपल के बीच छिपी मरचिराया की चीख सुनाई देती। उजाले अंधेरे में चौकीदारों के कपाल के भीतर सपने एक एक कर बुझ जाते हैं। कौन रुक सकता था इन हाहाकारी कोठियों के हाथे के उजाले में। मुए कबूत रंग की बीत साफ करते कमर दुखने लगी हैगी उनकी पुरानी नौकरानियां कहती। बिदियां पापा सुखवाने डलवाए गए तो बीट अचार के मर्तबान मुंह पर धुला साफ कपा बांध कर रखवाए गए तो उन पर बीट गेहूं धुलवा कर मची या पर सूखने डालना तो नामुमकिन हो गया। राम राम होतियों तक पर हक जाते थे। पतझर के उनींदे दिन थे जिया अलसाने हो रामा के दिन। सुबह सुबह हल्ला मचा कई कबूतर मरे पड़े थे कुछ छत के इस पार कुछ उस पार। थानेदार को बुलवाया गया तो उसने सर खुजलाते कहा कि सर पंछियों पर हमारा क्या बस चलेगो। आप ऐसा करेगी छत के ऊपर ऊपर तार का बाड़ा बनवा लें। दबी जुबान से कहा सुना गया गया दिन उगने से पेशतर कई गोलियां उस सैद से इस सैद फेंकी गई थी पर रोजिना के झगड़े में पुलिस कचहरी क्या करें। दद्दू जी ने पहले ही कह रखा था कि हम दो लोगों के बीच का मसला है हम ही निपटाएंगे थर्ड पार्टी लाने की जरूरत नहीं। अब भैया हमने तो जैसी सुनी तैसी बताई। फिर सुना दद्दू के दोनों कद्दावर कुत्ते एक सुबह ढेर पाए गए मुंह से झाग निकल रहा था पास में कुछ हड्डियां पड़ी थी। अब कहो वैष्णो घर में ही अखाद्य कैसे पहुंचा। चौकीदारों के दोपहर की नींद के भीतर सपने नहीं आते। सब देवताओं को छोड़कर गुडी मुडी नवजात बच्चों की तरह रात गए मुन्ना और महफूज मियाँ अपने प्राणों के पास लौटते हैं और तब पानी की तरह घूमट घूमट कर दो एकाकी दिल एक दूसरे से बात करते हैं। इंसानी रातें कहानियों के सहारे ही तो कटती हैं। क्यों तुमको जिनके पास सब कुछ है जो हमारी तरह पेट की खातिर दिन दिन बड़े होते बच्चों और दिन दिन बुढ़ा रही बीबियों को अकेला छोड़कर परदेश में दूसरों के घर की पहरेदारी करने मजबूर नहीं हो शांति के साथ रहना नहीं आता। क्यों खुश नहीं हो पाते तुम अपनी या दीवार पार की खुशी में। धूल माटी गाल भर हवा खाकर अधेड़ चौकीदार दो मग चाय पर गोल हो बैठ जाते। कभी कभार गश्ती पुलिस वाला राम स्नेही भी अलाव देखकर हाथ सेंकने आ जुटता। तीन जोड़ी कान कई कहानियां इस उस कहानी के पेट से निकलने लगती हैं। कोठी में बर्तन मलने वाली रामरत्ती का दादी ने राम नरेश की फुआ को बताया था कि वकील साहब के अदब से जो खानदान बरसों एकजुट बना खूब फलता फूलता रहा पर फिर वकीलानी एक ही बहुला पाई थी कि चच्चू जी की बारी आती उससे पहले ही सुरख सिधार गई। वकील साहिब को 2 साल बाद हार्ट अटैक आया और मिनटों में देही छोड़ दी। बस तब से घर को घुन लग गया सब दिन होतना एक समाना। अगली पीढ़ी में दोनों बेटों के बीच भीतर खाने बदफैली हो गई। बात को बात इतनी बिगड़ गई कि वकील साहब के बड़े जो दद्दू जी कहलाते थे और उनके छोटे भाई चच्चू जी सगे भाई होते हुए भी जुदा होने पर तुल गए। शहर में पीली कोठी के पार्टीशन की बाबत कई बाशिंदों के बीच कही सुनी जाती कहानियां तनिक खोदो तो जमीन के भीतर से परतों में सदियों से दफन नदियों की माफिक धार धार सतह पर आ जाती हैं। और क्या सुनते हो महफूज भाई। बातून मुन्ना ने महफूज भाई से पूछा जो उसी की तरह कंबल उठे बगल के फाटक पर जागता था। राम स्नेही की बात पर सोच रहा था। अब कोठी वालों का रसूख जितना बड़ा हो लोगों के मुंह पर तो ताला नहीं लग सकता किसी तरह यहाँ। बर्तन वाली रामरत्ती ही बताई कि भाई भाई के बीच अग्योछे का माहौल इस तरह बना कि वकील साहब के छोटे बेटे चच्चू जी ने अचानक सालों पहले बाप की दी जुबान झुठलाते हुए ऐलान कर दिया कि वे घर की बड़ी बहू यानी भाभो जी की छोटी बहन से ब्याह नहीं करेंगे। रामरत्ती यह भी कहती थी कि जब से भाभो ब्याह के आई थी कोठी में उनकी छोटी बहन का आना जाना लगा रहता था। चुहलबाज चच्चू का दद्दू भैया की साली साहिबा से हंसी मजाक भी चलता रहता। कभी कभार दोनों बहनों को दोपहर का सिनेमा भी दिखा लाते थे चच्चू। यह सब देखकर भीतर खाने सब निष्फिक्र से थे कि चलो घर की अगली बहू खोजने को बाहर नहीं जाना होगा। घर में कुशल गिरस्तन भावों का भारी रुआब था और दद्दू जी ही नहीं चच्चू जी भी उनके कहे उठते बैठते थे। उनको पक्का यकीन था कि उनकी बहन ही उनकी देरानी बनकर घर की शोभा बढ़ाएगी। हाँ पर जैसा कि रामरत्ती की माए कहती थी समय होत बलवान जगत में समय होत बलवान। उधर भा हो और उनके मायके वाले छोटी के लिए गहना गुड़िया साड़ी लहंगे मोला रहे थे और इधर बाप के मरने के बाद चच्चू जी को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। यह वही शहर था जहां उनके बाप के उसी खानदानी मुवक्किल का घर था जिसने कोठी की जमीन उनके वकील साहब को दी थी और सालों तक उनको ईद मिलाद पर उनको तोहफे भिजवाया करते थे।
जमाने का क्या, बदलना उसकी फितरत है। महफूज मियाँ ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, चच्चू जी के तब मतक मुवक्किल मियाँ सरीखे कई पुराने जमींदार लोगों की शहर को चलाने वालों के बीच औकात ऐसी दो कौड़ी की होके रह गई थी कि म्यूनिसिपालिटी चुनावों में काउंसलर का टिकट भी उनको नहीं मिला था। दिलों में मैल जो आ गया था, बात बात में मसला हो जाता। जमींदार साहिब खानदानी आदमी थे, सो बाहर खाने चुप साथ गए। बड़ा दामाद जर्मन में था, दूसरा इराक में। बीबी गुजर चुकी थी, लिहाजा आखिरी बच्ची की किसी भली जगह शादी करना अब उनकी सबसे पहली और आखिरी जिम्मेदारी थी। हालात से आसानी से हार मानने वालों में से खान साहिब न थे। ठीक ठाक तरह खाने पीने रहने को अभी भी काफी जायदाद थी, फलों के बागान थे। बेदली ही सही पर दिखावे को उनको अभी भी मान पान दिया ही जाता था। शहर बदल रहा था, दरख्त कट रहे थे, माल और पब खुल रहे थे, कौड़ियों की जमीन शिफियों पर तुलने लगी थी। पर उनकी ही तरह सारे खानदानी घरों के अगली पीढ़ी के लड़के बाहर जाने लगे थे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैनचेस्टर। खान साहिब पा रहे थे कि उन सभी ने बहुओं के साथ इधर उधर आशियाना बसा लिया था, वापस कोई नहीं आता था। कुछ एक ने तो बुए माँ बाप को उधर बुला लिया, गो की खतूत से लगत था कि वहां बुए खुश नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि सबसे छोटा दामाद वह लाएंगे जो इधर ही बसा रहे, जो बचा है सब उसी का। उन्होंने वकील साहब के बेटे को बड़ी आवभगत से किराएदार रख लिया। धीमे धीमे बात न चच्चू जी से घर की लड़कियां खुलने लगी। बड़ी या मंजली जब भी मायके आती उनसे पर्दा न करती। उनके शौहर भी बड़ी मोहब्बत से पेश आते। होते होते कुछ समय बाद नन्हू और सलमा का टांका चच्चू जी से भिड़ी तो गया। चच्चू जी बिंदास आदमी थे और बात जैसे ही परवान चली तो जाके लड़की के बाप से कह दिया कि उनका इरादा सीधे शादी ब्याह का है। कुछ देर खामोशी के बाद पूछा गया, बरखुरदार आपको कलमा पढ़ना मंजूर है? है। इस तरह या पीली कोठी को भनक होती, इससे पहले चच्चू जी कलमा पढ़कर सलमा का खाविंद बनना तीन बार कबूल कर चुके थे। अब कहो क्या कहना सुना भाई, मैंने भी उत्ती सी सुनी थी। महफूज मियाँ ने बीटी नीचे गिरा कर कुचल दी और अपनी कोठी के पीछे की तरफ जाकर लाठी से ठक ठक करने लगे। मुन्ना भी चल दिए। फिर वही काली रात, पानी अब बरसा की तब बरसा। हम लोगों के देवता में किशन जी की एक कहानी दादी कहती थी। उद्धरण, बीडी खींचते मुन्ना फिर शुरू हुआ। तो किशन जी और रुक्मणी का दिलफेक बेटा था कोई शंभ। शहर से उसकी बड़ी शिकायतें आती थी। महतारी बाप ने एक दिन अपने बेटे को खुद दैताने को ग्वाला ग्वालिन का रूप धरा और द्वारका में घूम घूम कर दईयो दई कहते घूमने लगे। शंभ ने सुंदर ग्वालिन देखी तो बोला, आजा मंदिर में आके मोकू छाछ पिला दे, दुगुना रुपया ले ले। ग्वालिन मटकी लिए जा पहुंची द्वारे। अब भीतर से शम, वह कहे तू भीतर आ तब पैसा दूंगो। वो बोली, नाजी पहले पैसा फिर छाछ। तो भैया शम ने हाथ पकड़ लियो वाको के पकाओ हाथ। हाँ जोरा जोरी बधी तो भैया महतारी बाप ने बेटे को और सिर रूप दिखाया और शर्म से पानी पा नी सर पर पैर रख के घर भागा छोरा। घर जाते हैं तो के देखते हैं कि छोरा एक बड़ी सी कील बना रहे है। तो पूछी कि बेटा ई का, तो जवाब मिलो के ही कहानी जिनने किसी को भी सुनाने को मुंह खोला वाके मुंह में सीधो जाके ठोक दूंगो। किस किस का मुंह बंद करेगो कोई। सोई तो पीली कोठी चच्चू जी के ब्याह की खबर पहुंची तो मानो बम फटा। दद्दा जी रात भर छत पर सिगरेट फूंकते टहला किए, भीतर भाभो जी बेहाल बेसुध। उनकी बा हमको खबर हुई तो उसे तो ऐसे दौरे पने लगे कि घर वालों को आगरा ले जाके इलाज करवाना पड़ा। लौटी तो किसी कदर खामोश और गुमसुम, चुपचाप किसी ईसाई भक्तिनों वाले लड़कियों के कॉन्वेंट में वार्डन बन कहीं दूर पहाड़ चली गई। फिर वह कभी पीली कोठी में नहीं देखी गई। अब भाभू ने साफ कह दिया कि अगर सामने के रास्ते से चच्चू और उनकी बीबी आए तो वो उसी मिनट पिछवाड़े के रास्ते से मायके चली जाएंगी और फिर कोठी में पैर नहीं रखेंगी। कोठी वहीं की वहीं रही जहां पर की थी, पर बंटवार की नींव पड़ गई। शरीफों के घरानों के बीच बात मारपीट तक न जाए इसलिए अदालत की मार्फत एक बेतुकी सी बंटवार मंजूर करा ली गई कि चल अब एक भाई इधर एक उधर शांति से अपने अपने हिस्से में रहेगा। अदालत फैसला दे सकती है, शांति तो नहीं। पार्टीशन रे पार्टीशन सयाने देखते और उसांस भरते। अपने घरों में भी उनकी सुनता कौन था। नक्काशीदार कंगूरों और खिड़की दरवाजे वाली कोठी के दोनों हिस्से इस मनहूस नंगी ऊंची दीवार और भगवा हरे फाटकों की वजह से दूर से पहले ही कतई बेमेल नजर आने लगे थे। अब लोग उधर जाने आने से भी बचने लगे। पीली कोठी की बजाय इमारत शहर में दीवार वाली कोठी कहलाने लगी। दीवार तो ईंट गारे की चीज, दिल ही बंट गए तो फिर उसका मतलब बस हर तरह का अलगाव
और यह काम ऊपर वाला झूठ न बुलवाए, बिला रंग की वह दीवार कोई 70 सालों से किए जा रही थी। शहर से उठकर कई और मशहूर किस्से भी आते रहते थे, मसलन कैसे पार्टीशन के बाद महीनों तक खानदान का एक हिस्सा मुंह अंधेरे लोटा लेकर जंगल जाने को मजबूर हो गया था। वे बहुएं तलक जिनका मुंह बाहर किसी मर्द ने नहीं देखा था, किस तरह दूसरे हिस्से का परिवार महीने भर को खुले में रांधने खाने को मजबूर हो गया। नया बावर्ची खाना बना तो तमाम अल्लम गल्लम रखने को आंगन के सैद के सुंदर सहन जिसके बीचों बीच फव्वारा था, तुलसी चौरा था, बेले चमेली थे, पाट कर भंडार बनाया गया। दूसरे सैद वालों ने अपने लिए हाथे के कुछ फलदार पेट कटवा कर नए पाखाने नहाकर बनवाए थे। वकील साहिब और खान साहिब के जीते जी पानी की इफरात थी उसी लाके में। पहले पूरा बाग था, यहाँ आम का सिंदूरी, समर बेहिश्त, लंगदे, सफेदे, तोतापुरी, बेगमपसंद, किस्म किस्म के नाम, किस्म किस्म के आम। एक कुआं भी था जहाँ कुआं पुजाई के लिए अड़ोस पड़ोस की नई बहुओं को भी गाती बा जाती औरतें लाती थी। पर जब कोठी तामीर की गई तो पुराने कुएं को पाट कर मालिक ने बड़े शौक से पानी की पाइपलाइन डलवा ली थी। लाइन से पानी तब 24 घंटे आता था, फिर भी घर की गायों के हित पानी को भरने के लिए एक बड़ा सा हौज धूमधाम से बनवाया गया, जिसके लिए सुनते हैं 4 दिन तक यज्ञ हुआ। कई बहुओं ने बताया कि उनसे उस पर ही कुआं पुजाई की रस्म करवाई गई थी। पार्टीशन की तहत अब पानी भी बंटने पर आ गया था। ऐसा कैसा बंटवारा जी, गिला सबर पानी के लिए सगे भाइयों के बीच जूतियों में दाल बंटने लगे। कोई महीना भर लग गया, सुनते हैं राजमिस्त्रियों को यही हिसाब किताब बिठाने में कि अब तक एक ही पाइपलाइन से भरती रहे उस डैम कको किस जुगत से इस तरह 4 टंकियों से जोड़ा जाए कि किसी भी हिस्से को खाने नहाने को पानी कम बेशी ना मिले। चच्चू जी वाला हिस्सा यूं तो दद्दू जी वाले हिस्से से भिन्न नहीं था, पर सजावट एकदम जुदा जुदा। बारामदे में तखत रहता और सहन के अगल बगल 2-4 मुदे रखे गए थे, जिन पर बैठे खान साहिब सुबह शाम आने जाने वालों से मिलते हुक्का पीते रहते थे। चच्चू घर से कचहरी जाते आते समय रात हो जाती। उनके घर की औरतें अमूमन मर्दाना हिस्से से उझल रहती थी। सिर्फ नन्ही बेगम यानी सलमा कभी कभार बारामदे के तख्त पर बैठी छालियां कतरती देखी जाती। दद्दू जी के घर की बहुएं हरचंद कोशिश करती कि उस दम भावो उस तरफ न आए। इससे उनका ब्लड प्रेशर इतना चढ़ जाता था कि कई कई बार डॉक्टरनी को बुलाना पड़ता। भावो जी चल बसी तो सुना चच्चू जी ने जवाब कहलाया, सुबह को आना चाहते हैं। इधर से मने हो गई। कहते हैं दद्दू जी बेटों बहुओं से साफ कह गए थे कि उनकी मैयत देखने क्या छूने भी ना दी जावे चच्चू लोगों को। फिर खान साहिब गए और उसके कुछ एक बरस बाद ही यकायक सलमा बेगम भी, तो दोनों बार उनके ही लोगों ने मिट्टी उठाई। उधर से जब जब रोने कुरान खानी की आवाजें और लोबान की खुशबू आई तो इधर वाले जोरों से भजन के कैसे बजने लगे। ठीक नहीं हुआ, आमने सामने कहने की किसी की हिम्मत न थी। कौन बड़े लोगों के मुंह लगे, किसे अपने मुंह में लोहे की कील ठुकवाने का शौक होता है भाई। अब तीसरी पीढ़ी थी पर बेरुखी मिट्टी नहीं गहराई ही थी। 70 बरस में बहुत कुछ बदल गया था। बारिश कम हो गई थी और शहर की नदी में पानी उतर चला था। पाइपलाइन से अब गली मोहल लोगों के लिए सुबह शाम 2-2 घंटे को पानी छोड़ा जाता था बस। पिछले 10 बरस से जब से मुन्ना चौकीदार एक तरफ और महफूज मियाँ दूसरी तरफ चौकीदार थे, उनका काम था ठीक 4 बजे सुबह का पानी भरने और शाम 4 बजे शाम का पानी भरने को मोटर चालू कर दें। मुन्ना बिरज सैद का था, उसकी जान गाने में बसती थी या किस्सा गोई में। दूसरी कोठी के चौकीदार महफूज मियाँ मेवाती अब तक दोनों तरफ के बुए मालिक मर चुके थे, उनकी बू जुर्ग बेवाएं रह गई थी। दिनों दिन बुठाती एक दूसरी पर नौकरों की मार्फत निगाह रखती, चौकीदारों की नियमित चौकीदारी भी करती। दोनों पर रात किसी पल सोने का शक हो तो मच्छी जैसी मिनमिनी आवाज से चिल्लाती, कहाँ मर गए मुन्ना या महफूज मियाँ। टॉर्च चमकाते दोनों चौकीदार कहते, यही है, बीबी जी पिछवाड़े चेक कर रहे थे। दोनों ने अब तक रचगे साबित करने का बुनियादी गुर सीख लिया था। कहानियां बीडियां ट अचका इधर उधर मारना और कभी कभार खांसी, जवानों की कहो तो वही घर घर की कहानी दोनों कोठियों की भी थी। पार्टीशन के बाद दोनों घरों की एक पीढ़ी पली पुसी खूब पई, जहीन तो ये नस्ल थी ही, एक से एक बया। नौकरियां हाथ में आ गईं तो बेगाने होकर बच्चे परिवार समेत परदेश जा बसे थे। कहाँ की उर्दू कहाँ की हिंदुस्तानी, बरसों परदेश में रहते रहते दोनों तरफ के जवान लोग बस अंग्रेजी में ही गिटपिट करने लगे थे। जा दो में बेटे बहुएं एकाध बार चक्कर लगा जाते, बाकी साल दोनों घरों को दो बूढ़ियां थामे रहती।
प्रकट में दोनों अम्मा कहलाती थी, पर चौकीदार रात को चांद तारों तले बैठे बात करते तो उनको कहते बुढ़िया। एक बार की बात है, दो बुढ़िया थीं जो अगल बगल की दो झोंपड़ियों में अकेली रहती थीं। सुना महफूज भाई, तो एक की भक्ति से खुश हो के वाको किसुन जी ने दर्शन दिए और कहा मान जो मांगती है। वो बोली कि मुझे एक बड़ी सी शाही कोठी दे दो। मिल गई। एक दूसरी बुढ़िया को लगी खार। उसने साल भर बस फलाहार कर भजन किया तो किसुन जी उस पर भी प्रसन्न भये। कहा मांग ले जो मांगना है। सो वो बोली कि जितना मेरी पड़ोसन के पास है मोको उसे दोनों दे दो। एक पहली बुढ़िया सुबह उठती है तो देखती है कि पड़ोसन के पास दो दो कोठी, जो भी वो मांगे उसको दोनों पड़ोसन को मिल जाए। फिर एक दिन वाने कही कि हे किसुन महाराज, मेरी एक आंख फूट जाए। अगले पड़ोसन की दोनों फूट गईं। लाठी लेकर ने जाने लगी। फिर उनने कही मेरी कोठी फिर फूस की बन जाए। पड़ोसन की कोठियां भी गईं। फिर भी हिरस ना कम हुई तो उसने मांगा कि मेरा एक हाथ एक एक टांग टूट जाए। पड़ोसन हाथ पैर से लाचार हो गई। फूस की कुटिया में पड़ी पड़ी लाचार बुढ़िया सोचे लगी, ई मेरे ही कर्मन का फल है। अच्छा भाई चले चक्कर लगा ले। दोनों घरों को पैसे की तंगी न थी। बेटे बैंकों में पीछ छोड़ी गई माओ के लिए खाते खोल जाते थे जिनमें रुपया आता रहता। दो मैनेजरों और कोई चारिक माली, झाड़ू बर्तन वालियों और दवाइयों के लिए उसका ब्याज ही बहुत था। पर घर पर शाम ढले सिर्फ दो बुढ़िया बच रहती। चौकीदारों के लिए हाथों के भीतर पिछवाड़े में कोठरियां नके अलग से थे। उनको छोड़कर बाकी सब काम करने वाले शाम गए घर चले जाते। दोनों हाथों के पुराने पेड़ों की निचली टहनियां काट दी गई थी ताकि वे ऊंचे हो पर पत्तियां अधिक न गिरे और गर्मियों में चंदोबा भी कायम रहे। दोनों तरफ दो गराज भी थे जिनमें कार रहती थी ताकि मन होने पर बुढ़िया आ जा सके। ड्राइवर सुबह से शाम तक अक्सर बैठे रहते। फोन से जरूरत हो पर गाड़ी पोरच पे लगा देते। बुढ़िया उम्र के साथ कम ही निकलती थी पर जरूरत पड़ती ही थी, खासकर जब परदेश से लड़के बच्चे आते। शेष समय ड्राइवर उनकी सफाई सुफुई करके देखते रहते कि तेल पानी ठीक है। कीचड़ यूं चूहों ने उनके भीतर घोंसले बनाकर बच्चे विच्चे तो नहीं दे दिए। शाम को वे कैनवास के कवर से ढांक दी जाती। मैनेजर सब का काम नियमित रूप से चेक करते थे। मैनेजरों का काम बेटे, अब तो चारों तरफ लगे कैम। रोज से वे लोग स्काइप पर सीधे देख लेते थे कि सब ठीक ठाक है। चौकीदारों का तीन टाइम का खाना कोठियों से ही आता था और दिन में वे अक्सर सुरती मलते उबासियां लेते दिखते थे। बया काम था, रात भर चौकीदारी, दिन भर सो या टहलो। अक्सर दोनों एक दूसरे के गले की खखार सुनते। जब बुढ़िया सोने का एतबार हो जाए तो कुछ देर साथ बैठकर बीड़ी फूंक लेते। उनके बीच रात भर छोटी छोटी बातें होती, किस्से कहानियां निकल आते, फसलों के, गांवों के, कोठियों के। तो सुन बे मेवाती, मुन्ना कहता, ई जमाना साला है नंगई का। सगे भाइयों का बंटवारा, मारी गई औरतें, हमारी वाली बूढ़ा दिन भर टीवी देखती हैं। कभी कभार लड़कों बच्चों से बात हो जाती थी पर अब कान जवाब दे रहे हैं, हलू हलू करती रहती हैं। इब देख तुम्हारे उधर भी वही फूल पत्ते परिंदे, हमारी तरफ भी तेरी तरफ से धूल उठती है तो हमारे यहाँ हमारी तरफ की तुम्हारे यहाँ। नंगई का ये हमारे उधर किस्सा है कि औरंगजेब बादशाह जामा मस्जिद को नमाज के लिए निकला तो उसने एक निपट नंगे फकीर को महल के सामने बैठा देखा। बगल में काला कंबल धरा था। भौचक्का बादशाह कहे कि तू नंगा काहे को है बे, कुछ तो शर्म कर, जानता नहीं मैं कौन हूँ? जानता हूँ तू मुल्क का सबसे बड़ा चौकीदार हैगा, फकीर पीठ खुजलाते हुए बोला। पर मत भूल के तेरे मेरे ऊपर हम दोनों से बड़ा एक चौकीदार भी बैठा है। बादशाह ताव खा गया, बोला तेरी ये मजाल मुझसे मुंह दराजी करता है, चल उठा कंबल और अपनी शर्म ढांक ले। तो फकीर ने कहते हैं हंसते हुए अपना काला कंबल उठाया। क्या उठाया? काला कंबल? हाँ तो बादशाह क्या देखता है कि उसने अपने जिन दो भाइयों को गद्दी पाने को हलाक कराया था, कंबल के नीचे उनके ही लहू से लथपथ सर पड़े हैं। तब फकीर हंसकर बादशाह से कहते हैं, बोल तेरी शर्म ढांकू की अपनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।